हेलो एवरीवन वेलकम टू इजीली मैं नेहा वर्मा आप सभी का इजीली के यूट्यूब चैनल एसएससी बैंकिंग इजीली पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं जैसा कि हमने यहां पे अपना आरआरबी एएलपी के लिए जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर की जो हम यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आज अपना कौन सा पेपर नंबर है आज है अपना है इलेवन नंबर पेपर आज इलेवन पेपर आज नंबर यहाँ पे हम करने वाले हैं तो फटाफट से आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो फटाफट से सभी लोग कमेंट कर दीजिए आज है अपना पेपर नंबर इलेवन ठीक है तो अपना क्या है यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे करें यानी कि प्रीवियस जो अपने है, जो के अंदर जनरल साइंस के जो क्वेश्चन ठीक है थीके? तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और आ जाइए मैं भी चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बाकी आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे चलो राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैं बोल रहे ऑडियो वीडियो सब क्लियर तो चलो फिर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ ठीक है बिना देरी के अब देखो अपना पे जो क्लासेस है वो कितने बजे चलती है अपनी डेढ़ बजे चलती है कहाँ चलेगी अपनी एसएससी बैंकिंग इजीली के ऊपर और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही आपको ये बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर देना है ठीक है क्यों करना है क्योंकि जो अपनी क्लासेस हैं कितने बजे चलती हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा ठीक है तुरंत में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कौन सी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड हुई है कौन सी क्लास कब होने वाली है ठीक है अब देखो जो यूपी पुलिस एसएससी जीडी एएलपी आरपीएफ या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये वाली जो अपनी क्लास है जनरल साइंस की वो सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाली है ठीक है तो यूपी पुलिस की जो क्लासेज है अपनी वो चलती है तीन बजे के लिए यहां पे रीजनिंग के लिए ठीक है रीजनिंग की क्लास चलती है कितने बजे? बजे चलती ठीक है, है? और कब? मंडे मंडे टू टू सैटरडे, ठीक है? और जो अपनी एलपी वाली क्लासेज है वो भी चलती है अपनी कितने बजे कितने टाइम पे डेढ़ बजे चलेगी और कब मंडे टू मंडे टू सैटरडे ठीक है और जो तो संडे को है वो क्या रहता है अपना ऑफ रहेगा चले फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ अपना तो देखो यहाँ पे एन का जो बैच था अपना वो भी कंप्लीट हो चुका है उसकी जो प्ले ठीक है, है अब देखिए नेक्स्ट यानी कि अपनी क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दीजिए कि क्लास को स्टार्ट किया जाए फटाफट थम्स अप कर दीजिए सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर दीजिए

रिडक्शन ऑफ आयोडीन आयोडीन की यहां पे क्या आ जाएगा अपचयन ठीक है कमी नहीं होगा यहां पे हो जाएगा आयोडीन का अपचयन ठीक है आयोडीन का अपचयन तो फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दीजिए हेलो एवरीथिंग इज हेयर लुकिंग सो प्रीटी नेहा मैम थैंक यू सो मच एवरीथिंग इज हेयर सुकन्या कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गुड आफ्टरनून सुकन्या जी कैसी हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन तो आंसर कीजिए आप क्वेश्चन का सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे ठीक है तो फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग सुकन्या कुमारी जी का आंसर आ गया है ऑप्शन सी तो बाकी लोग भी फटाफट कीजिए आंसर देखो अपने को यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया इवोप्रेशन ऑफ सी वाटर यानी कि समुद्री जल का वाष्पीकरण यानी कि जो वाटर है उसको इवोपरेट होना इवोपरेट का मतलब क्या है वाष्प बनना यानी कि उसकी वेपर बनना यानी कि वोटर किसमें चेंज हो रहा है वेपर में वोटर वेपर में तो वेपर का मतलब क्या यहाँ पे देखो वोटर का जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है अपना एच टू और वो वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है एच टू के अंदर इसके अंदर कोई चेंज थोड़ी ना मिल रहा है इसके अंदर फिजिकल चेंज देखने को मिल रहा है ना कि केमिकल चेंज ठीक है फिर अपने पास बर्फ का पिघलना तो बर्फ भी क्या अपना एच टू है और वो क्या है यहाँ पे एस टू बना रहा है तो ये भी कौन सा हो गया अपना फिजिकल चेंज हो गया फिर है अपने पास क्या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम का जलना अब देखो हमें क्या दिया है यहाँ पे मैग्नीशियम ठीक है एम जी प्लस हम क्या करेंगे इसको ओ टू यानी कि ऑक्सीजन में क्या करेंगे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ये एम जी ओ यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो ये क्या हो गया इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया यहाँ पे अपना डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया तो ये ऑप्शन क्या है अपना यहाँ पे मैच कर रहा है फिर है रिडक्शन ऑफ आयोडीन तो आयोडीन का अपचयन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है ऐड हुए हैं और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हुआ है लॉस हुआ है तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे इस ऑप्शन को यहाँ पे तो अपने ये दोनों भी ऊपर एलिमिनेट हो गए इधर से और ऑप्शन सी बन जाएगा क्या यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर ठीक है

तो फटाफट से आंसर कीजिए हमें क्या बताना है फ्यूज वायर जो है वो किसका बना होता है तो फटाफट आंसर कीजिए देखो हमें क्या दिया है फ्यूज वायर तो फ्यूज वायर का यहाँ पे काम क्या होता है जो अपना सर्किट होता है ठीक है अपना एक सर्किट है ठीक है उसमें जो फ्यूज वायर जो है वो क्यों लगाया जाता है क्योंकि फ्यूज वायर जो फ्यूज लगा होता है अगर मान लो यहाँ पे क्या है हाई वोल्टेज जो है यहाँ पे करंट फ्लो करवाया हाई वोल्टेज करंट फ्लो करवाने पे क्या होगा अगर यहाँ पे हम फ्यूज वायर नहीं लगाएंगे यानी कि फ्यूज वायर जो है वो क्या करेगा यहाँ पे जो करंट आ रहा है यहाँ से हाई वोल्टेज वो क्या करेगा यहाँ पे फ्यूज वायर है वो क्या हो जाएगा पिघल जाएगा ठीक है वहां से परिपथ को तोड़ दे तोड़ देगा जिससे क्या यहाँ पे हानि होने का यहाँ पे जो चांस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा ठीक है तो फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए जल्दी पिघलने वाला हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए तो क्या होगा अपना यहाँ पे कि जो ऑप्शन हमें क्या दिया है थर्टी सिक्सटी थ्री परसेंट टीन एंड थर्टी सेवन परसेंट लेट जो है वो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं अपना यहाँ पे क्या बनाएंगे फ्यूज वायर बनाएंगे क्या बनाएंगे फ्यूज वायर क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और ये कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है इनका कम है और इनमें हाई रेसिस्टेंस पाया जाता है ठीक है हुआ क्लियर एवरीथिंग इज हियर मैं एकदम बढ़िया हूं आंसर बी बी नहीं होगा इसका आंसर होगा ए लो मेल्टिंग पॉइंट स्टार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सागर चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड आफ्टरनून सागर जी ओके मैम ठीक है तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा पे ऑप्शन ए तो जिसने ए आंसर किया है उनका आंसर सही है अब देखो यहां पे हमें क्या दिया है विद साइंटिस्ट डिस्कवर डी डी टी अब डी डी टी का मतलब क्या होता है फटाफट से बताइए और उसको डिस्कवर किसने किया था डॉक्टर पाल मुलर या फिर डॉबर्ट रो, डॉक्टर रॉबर्ट कोच या फिर जी डोमेग्यू या फिर हार्वे तो फटाफट से आंसर कीजिए कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से आंसर कीजिए फटाफट से आंसर कीजिए तो देखो यहाँ पे जो डी डी टी है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है उनको इनका यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा जो कीट होते हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में और कीटनाशक के की रूप में क्या है डी डी टी का यूज किया जाता है और डी डी टी का यूज जो है वो क्या है मच्छरों मॉस्किटो को मारने के लिए भी किया जाता है तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डाईक्लोरोनिल टाइक्लोरो ठीक है अगर इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो अपनी एग्जाम में यहाँ पे पूछी जा सकती है तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना है उनको मारने के लिए मच्छर को मारने के लिए कीट को मारने के लिए यूज किया जाता है ये क्या है एक विषाक्त टॉक्सिक होता है इसकी वजह से क्या है यहां पे जो मच्छर है कीट है वो क्या है मर जाते हैं ठीक है फिर हमें दिया है डॉक्टर पाल मुलर यानी कि जो अपने डीडीटी की खोज थी वो किसने की थी यहाँ पे डॉक्टर पाल मुलर ने 1939 के अंदर ठीक है फिर उसको क्या कर दिया गया था अपने इंडिया के अंदर इसको बैन कर दिया गया है और जो अपने कुछ यूनाइटेड स्टेट ऐसे हैं जो क्या है अभी भी डीडीटी का यूज करते हैं कहा पे मच्छरों को मारने के लिए आ, मलेरिया से बचने के लिए ठीक है तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना यहाँ पे ऑप्शन ए और जो डॉक्टर रोबोर्ट कोच है उन्होंने किसकी डिस्कवर की डिस्कवरी की थी उन्होंने की थी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम की खोज की थी ठीक है बैक्टीरियम हुआ क्लियर तो डॉक्टर पाल मुलर ने किसकी खोज की थी डीडीटी की और जो डॉक्टर रोबर्ट कोच थे उन्होंने किसकी खोज की थी ट्यूबर बैक्टीरियम की ठीक है तो जिसने ए आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है 1939 बिल्कुल सही क्योंकि इसकी डिस्कवरी हुई थी कब 1939 के अंदर चले फिर नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट में बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ बैरोमीटर बैरोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है टू मेजर एयर प्रेशर टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी या फिर टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन या फिर टू मेजर द हाइट ऑफ एरोप्लेन तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि बैरोमीटर का यूज कहां पे किया जाता है फटाफट आंसर कीजिए और क्या करना है आपको क्लास को लाइक भी कर देना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके ठीक है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन का आंसर टू मेजर एयर प्रेशर एंड सुकन्या जी का भी आंसर आ गया अपने पास ए तो देखो यहाँ पे जो बैरोमीटर है बैरोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है जो बैरोमीटर है उसका यूज किया जाता है एयर प्रेशर को मापने के लिए यानी कि वायु दाब को यहाँ पे मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है बैरोमीटर का यूज किया जाता है तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन ए ठीक है अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है कि द ए इम्पेरिकल फॉर्मूले ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए इज सी थ्री हमें क्या दिया सी थ्री एच फोर ओ दिया इफ इट्स एटोमिक वेट इज 170 सेवेंटी प्लस माइनस टू देन वट विल बी इट्स एटोमिक फार्मूला अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने को यहाँ पे आधा ही दिया हुआ है तो इसका मैं समझा देती हूँ आपको क्या पूछा गया है इसमें जो इसका यहाँ पे वेट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है. ठीक है उसको हम निकाल लेते हैं ठीक है जो इसका यहाँ पे जो एटॉमिक वेट है परमाणु भार है वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है और हमें क्या बोला है कि जो एटम पे प्रेजेंट है इनमें से उनका परमाणु भार हमें ये दिया और उसका परमाणु सूत्र बताना है कि क्या होगा ठीक है तो हम इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं तो देखो C3 है अपने पास तो कार्बन कितने अपने पास थ्री हैं तो क्या हो जाएगा थ्री इन ट्वेल्व एंड एच जो है वो कितने अपने पास फोर तो वन इंटू फोर हो जाएगा अपना और ऑक्सीजन कितना अपने पास यहाँ पे वन तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो यह हो जाएगा सिक्स फोर एंड सिक्सटीन तो कितना हो गया अपने पास फोर्टी फोर्टी सिक्स एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 56 ऐसे ही क्या करना है अपने को यहां पे किसका निकालना है 170 का तो हम इसका सी फर्स्ट ऑप्शन का हम निकालेंगे यहाँ पे तो देखो फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा अपने पास इसका कितना हो गया अपने पास 56 ठीक है अब हम निकालेंगे अपना फर्स्ट का तो C8 है अपने पास ठीक है तो C8 का कितना हो जाएगा एट इन हो जाएगा अपने पास एंड एच इज इक्वल टू अपना वन इंटू ट्वेल्व हो जाएगा एंड ऑक्सीजन जो है वो कितने अपने पास फोर इंटू सिक्सटीन अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे 172 तो हमें क्या बोला इसमें कि 170 सेवनटी प्लस माइनस टू यानी कि इसमें 168 भी आंसर आ सकता है और 172 भी आ सकता है तो इसके हिसाब से अपना कौन सा हो गया यहाँ पे 172 इसका आया है तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे ये यह. अगर हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा ये और भी ज्यादा जाएगा तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका यहां पे ये वाला ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जिसने ए जिसका आंसर ए है उसका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्होंने आंसर किया है ए तो बाकी लोग भी फटाफट कर दीजिए आंसर महादेव का दीवाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका आंसर आया है ए ठीक है तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखो नेक्स्ट में बोला है कि बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम रस किसके द्वारा स्रावित होता है पैनक्रियाज अग्नाशय स्मॉल इंटेस्टाइन ईसोफेगस या फिर लीवर तो फटाफट से आंसर कीजिए जय श्री महाकाल महादेव का दीवाना जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो सभी अपना रियल नेम भी बता दीजिए कि किसका क्या नाम है राज जी का भी आंसर आ गया है डी देखो अपने पास यहां पे क्या दिया है पैनक्रियास तो पैनक्रियास किसका सिक्रीशन करता है क्या प्रोड्यूस करता है ये क्या है जो है वो क्या है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करता है यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करेगा और बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करेगा यानी कि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करता है ठीक है तो ये क्या करेगा यहाँ पे डाजो इंसुलिन है

आपने फूड इनटेक किया तो अपने स्टमक से स्टमक तक कैसे जाएगा वो जाएगा कस, कैसे ईसोफेगस से ठीक है फिर क्या है लीवर तो लीवर क्या करता है यहाँ पे जो प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमने फूड के साथ खाए हैं और क्या है यहाँ पे जो फैट है उनका डाइजेशन कौन करवाएगा वो करवाएगा ली, लीवर लीवर सॉरी ठीक है लीवर तो ये क्या करता है बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है ठीक है और इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है इसका जो स्टोरेज है वो होता है कहां पे गोल ब्लैडर के अंदर कहां पे होता है गोल ब्लैडर के अंदर ठीक है हुआ क्लियर तो यशवीर सोलंकी जी भी का आंसर आ गया डी मानसू का आंसर आ गया लीवर महादेव का दीवाना डी दी। ओल्ड डाइजेस्टन से डेट कंप्लीट डाइजेशन ही स्मॉल इंटरसाइन बिल्कुल सही है ठीक है चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए हाँ गोल्ड ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होगा किसका बाइल जूस का ठीक है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन इन स्टोर इन इंडिक ओके मैम ठीक है चले फिर नेक्स्ट देखिए अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोला है विटामिन विटामिन इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड कौन सा विटामिन थक्का जमने में मदद करता है जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं उनके साथ कौन सा विटामिन जो है वो क्या करता है बाइंड करेगा और ब्लड क्लोटिंग को क्या करेगा वहां पे हेल्प करेगा ब्लड क्लोटिंग होने के लिए तो फटाफट से आंसर कीजिए क्लियर गुरु माता जी ठीक <laughs> है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए हिटलर हिटलर जी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम राम गुड गुड मॉर्निंग आफ्टरनून सेवन का आंसर कीजिए सुकन्या जी का आंसर आया है ए स्टार जी का आंसर आ गया है विटामिन के महादेव का दीवाना भी आ गया है ए मानसू का भी ए तो यशवीर जी का भी आंसर आ गया ए तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट देखो

विटामिन के और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा होता है अपना यहाँ पे फाइलोक्विनोन एंड विटामिन ए जो है वो क्या है अपना यहाँ पे रेटिनोल ठीक है रेटिनोल और ये किसमें हेल्प करता है अपना गुड आईसाइट के लिए हेल्प करता है ठीक है और इससे होने वाली डिजीज कौन सी है जीरो थाल्मिया. और कौन सा अपना यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है

ये क्वेश्चन जो है वो अपने यहाँ पे क्या एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है फिर है क्या विटामिन ई तो विटामिन ई का जो अपना केमिकल फॉर्मूल जो केमिकल जो नेम है वो क्या होता है अपना टोकोफेरोल क्या होता है टोकोफेरोल और इससे होने वाली डिजीज कौन सी है यहाँ पे कौन सी मिलेगी इनफर्टिलिटी एंड स्किन डिजीज हमें देखने को मिलेगी और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है ठीक है विटामिन ई इज आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन बिल्कुल सही विटामिन डी टोकोफेरॉल बिल्कुल अब देखो यहाँ पे अपनी डिजीज को सभी को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता दू क्या एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है अपनी विटामिन की जितनी भी डिजीज है उनको याद करने के लिए ठीक है अगर आप बोलोगे तो मैं इनके केमिकल नेम याद करने की आपको ट्रिक भी बता दूंगी तो बता दीजिए मुझे कि आपको केमिकल नेम्स याद करने की ट्रिक चाहिए या नहीं चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए अगर चाहिए तो देखो अपने पास यहां पे जो शॉर्ट ट्रिक है जो क्या मिलेगी अपने विटामिन के लिए डिजीज के लिए राम वन को हम क्या कर देंगे बंद कर देंगे ठीक है में बहुत सारे वर्ष को हम कर देंगे क्या वर्ष कर देंगे ठीक है वर्ष रहे थे ठीक है तो इससे अपना क्या बन जाएगा यहां पर रहसे क्या बना देंगे हम यहाँ पे रतोंधी, ठीक है और यहां पे बैसे क्या बन जाएगा बेरी 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 एंड बन जाएगा स्कर्बी स्कर्बी एंड रेसे यहाँ पे क्या बन जाएगा रेसे रिकेट्स ठीक है एंड बैसे क्या बन जाएगा यहाँ पे बांझपन इसको इंग्लिश में हम लिखें तो क्या हो जाएगा इनफर्टिलिटी ठीक है और रहे थे से क्या हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनना रक्त का थक्का नहीं बनना ठीक है तो ये थी अपनी कौन सी यहां पे एक सिंपल सी ट्रिक हुआ क्लियर विट या सुकन्या जी आपको याद है तो कोई बात नहीं बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ ठीक है आपको जैसे आपको सही लगे वैसे वैसे, वैसे आप कर लेना ठीक है अब देखो अपने जो विटामिन वो क्या होते हैं अपने फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होते हैं ठीक है विटामिन जो है ये तो है अपनी डिजीज के लिए ट्रिक ठीक है ये तो हो गई अपने डिजीज के लिए ट्रिक अब क्या है अपने पास जो फैट सोल्यूबल है और अपने क्या है यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन एंड क्या होते हैं अपने वॉटर सोल्यूबल विटामिन ठीक है तो क्या है यहां पे अपने जो विटामिन वो कौन कौन से अपने होते हैं विटामिन विटामिन ए, बी, सी, डी और ई e, के ठीक है ये होता है देखो रतौंधी जो है ये देखो सीक्वेंस में मैंने आपको ट्रिक बताई है तो ये भी याद रख लेना कि रतौंधी अपना विटामिन ए विटामिन बी ठीक है सीक्वेंस में है पूरा अपना स्कर्वी विटामिन सी और रिकेट्स विटामिन डी ठीक है ये विटामिन ई e, और नेक्स्ट अपना कौन सा क्या विटामिन के ठीक है सीक्वेंस में है पूरा एकदम ये तो अपने जो विटामिन है वो कौन से होते हैं अपने ये वाले तो पीसीबी पीसीबी का मतलब पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या पता होगा सभी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हम वॉटर के लिए क्या यूज रख लेंगे पी सी बी यानी कि पानी में विटामिन सी और बी अब सी और बी इधर आ गया तो बाकी बचा हुआ किधर छोड़ देंगे हम अपना फैट सोल्यूबल के अंदर ए डी के या फिर इसको हम या, ऐसे भी याद रख सकते हैं कीड़ा कीड़ा के ई डी ए या फिर इसको हम क्या याद रख सकते हैं डाकिया ठीक है ये अपने चारों एंड ये दोनों अलग डाकिया ठीक है या फिर कीड़ा या फिर ये क्या हो गया अपना पानी में विटामिन सी एंड बी ठीक है हुआ क्लियर कीड़ा फैट सोल्यूबल, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या डाकिया भी बोल सकते हो या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि पानी में विटामिन सी एंड बी बाकी बच्चे अपने किधर आ गए फैट सोल्यूबल में अब देखो इनको याद करने की एक अपनी जो विटामिन ए इनके जो केमिकल नेम है उनके विटामिन ए सी डी ई एंड के इसके लिए एक ट्रिक है बी अपना बहुत बड़ा विटामिन आ गया कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा तो वो हम उसका विटामिन के लिए दूसरी ट्रिक अपने पास ठीक है ए सी, डी ई के लिए एक ट्रिक है और दूसरों उनके लिए एक और ट्रिक है तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना रमन रात को ऐश करता है बस इसको टोको मत, ठीक है टोको मत, फ्री घूमने दो ठीक है तो देखो इसके लिए अपना ट्रिक आ जाएगा कौन सा रैसे अपना रेटिनोल ठीक रह से कौन सा हो जाएगा रेटिनोल विटामिन ए एंड एस से कौन सा हो जाएगा अपना एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है कौन सा हो जाएगा अपना विटामिन सी इससे क्या हो जाएगा कैसे अपना कैल्सी कैल्सी फेरोल विटामिन डी के लिए एंड टोको से क्या आ जाएगा अपना यहां पे विटामिन ई के लिए टोको फेरोल ठीक है टोको फेरोल एंड अपना कौन सा आ जाएगा यहां पे विटामिन ई ठीक है और क्या हो जाएगा अपना फ्री से अपना फाइलो क्यूनोन फाइलो क्वीनोन हुआ क्लियर सभी को ठीक है हुआ क्लियर सभी को तो फटाफट से थम्सअप कर दीजिए तो ये थी कौन सी अपनी यहाँ पे विटामिन ए सी डी ई e के लिए याद करने की एक ट्रिक ठीक है तो फटाफट से थम्सअप कर दीजिए फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बी टू राइबो बी वन ठीक है क्रिस्टल क्लियर है ठीक है बाकी लोग भी फटाफट से थम्सअप कर दिए कर दीजिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ठीक है तो ये थी कौन सी अपनी विटामिन ए सी डी ई e के को याद करने की ट्रिक ठीक है अब देखिए नेक्स्ट अब देखो अपने को यहां पे ये हो गया अपना कौन सा यहां पे कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा अपना आंसर कौन सा हो गया पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है इसके लिए अब देखिए नेक्स्ट ठीक है रिवाइज हो गया आपका ये टॉपिक अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें क्या बोला है कलर इज़ फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट निम्नलिखित में से कौन पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ऑस्मोसिस या फिर नन ऑफ दिस तो फटाफट से आंसर कीजिए सुकन्या जी का आंसर आ गया बी बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए फटाफट से आंसर कर दीजिए फटाफट स्टार का भी आंसर आ गया है बी सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट यशवीर सोलंकी जी का भी आंसर आ गया है ए क्लोरोफिल ठीक है देखो आपने को यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन ए में फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है यानी कि प्लांट्स के द्वारा बनने वाला फूड प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं वो किस प्रोसेस के दौरान होता है अपना? तो में क्या होता है है अपना फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस तो में क्या वो से क्या लेंगे टू लेंगे और सॉइल से क्या मिलेगा उनको वॉटर प्लस उनको क्या मिलेगा सनलाइट ठीक है सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या करता है यहाँ पे सनलाइट को अब्सॉर्व करेगा और क्या करेगा सीओ टू किसमें कन्वर्ट होगा यहाँ पे CO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कार्बोहाइड्रेट सी सिक्स ग्लूकोज के अंदर और साथ में क्या बन जाएगी अपनी ऑक्सीजन गैस बन जाएगी ठीक है तो ये थी अपनी कौन सी पोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फिर है अपना यहाँ पे क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल जो है यहाँ पे क्लोरो का मतलब यानी कि यहाँ पे ग्रीन कलर से मतलब है ठीक है क्लोरोफिल जो है है वो क्या करता है यहां पे प्लांट के कलर के लिए ग्रीन कलर के लिए क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है अधिक सांद्रता की ओर जो सॉल्यूशन जाता है वो क्या है अपना यहाँ पे अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा ठीक है तो ये कौन सा हो गया अपना परासरण ठीक है ऑफ दी तो अपना, अपना यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है इट रिलीज ऑक्सीजन ठीक है चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि स्लाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लार किसके पाचन में मदद करती है फैट स्टार्च प्रोटीन या फिर विटामिन तो फटाफट से आंसर कीजिए जो स्लाइवा है जो अपने माउथ के अंदर जो स्लाइवा प्रेजेंट है जो लार प्रेजेंट है वो किसका डाइजेशन करने में हेल्प करती है फटाफट आंसर कीजिए तो जिसने भी बी आंसर किया था प्रीवियस क्वेश्चन का उनका सभी का आंसर सही है ठीक है क्लोरोफिल आएगा डी आर बी यादव जी का बी महेंद्रा पटेल का भी बी आया था ठीक है सभी का आंसर था बी अब आ गए अपने पास राज जी का आंसर आ गया है सुकन्या जी का भी आ गया है स्टार क्या भी आंसर आ गया अपने पास बी तो सभी आंसर कीजिए फटाफट देखो यहाँ पे जो फैट है अपने पास तो फैट का डाइजेशन कौन करवाता है अपना यहाँ पे लीवर ठीक है स्टार्च जो है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज के अंदर और कौन करता है ये अमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम करते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन कहाँ होता है स्टमक के अंदर और स्टमक में क्या मिलेगा एच मिलेगा और पैप्सिन एंजाइम मिलेगा ठीक है और क्या करेगा पैप्सिन क्या करेगा एच के साथ यहाँ पे जो एच है वो क्या करेगा पैप्सिन एंजाइम को एक्टिव करेगा और क्या पैप्सिन जो है वो क्या करेगा यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा उसको डाइजेशन करने में हेल्प करवाएगा ठीक है जो विटामिन है उनका डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ठीक है हुआ क्लियर सभी का तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे ऑप्शन बी सुकन्या जी आप ना एक काम कीजिए कि कि अपना जो क्वेश्चन आंसर आप करते हो वो एक बार ही कर दीजिए जो सभी का आंसर जो है वो यहाँ पे मुझे दिख सके ठीक है क्योंकि फिर वो कमेंट जो है वो ऊपर चले जाते हैं तो दिखते नहीं है तो सभी लोग एक, -एक बार आंसर कर देना मैं सभी का आंसर देख लूंगी ठीक है पेड़ के लिए प्रकाश जरूरी है बिल्कुल जरूरी है क्योंकि उनको क्या चाहिए है प्रकाश जो प्रकाश है जो अपनी सनलाइट है वो क्या करता है फूड बनाने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है ठीक है, चले फिर नेक्स्ट हुआ क्लियर तो फटाफट से थम्सअप कर दीजिए कि फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो देखो यहाँ पे जो लाइक की संख्या है वो मुझे बहुत कम दिख रही है तो क्या करना है आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है सेशन को लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट अपने आंसर करते रहना ठीक है बीच में जल्दी से जाइए और लाइक करके भाग आइए फिर से क्लास में ठीक है अब देखिए नेक्स्ट अब हमें बोला है कि टू पैडल वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज एक ही दिशा में विद्युत धारा ले जाने वाले दो समान अंतर तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि हमें क्या बोला है दो वायर दिए हैं और क्या बोला है कि इनके अंदर सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है ठीक है सेम इनके अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो हमें बताना है कि इनके अंदर अगर वो आकर्षित एक दूसरे को करेंगे तो वो किस वजह से करेंगे ठीक है क्या उनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस है वो मिलेगा हमें या फिर जो उनके अंदर ईएमएफ है जो वो क्या मिलेगा बीच पारस्परिक पारस्परिक ईएमएफ मिलेगा या फिर उनके पास विद्युत बल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा या फिर देयर इज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम या फिर उनके पास जो चुंबकीय बल है वो मिलेगा स्टार जी पूछ रहे हैं कि मैम स्टमक में विटामिन होता है देखो विटामिन का जो ऑब्जॉर्शन है जो अवशोषित होगा वो कहाँ पे होगा जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है वो होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है और जो स्टमक है उसके अंदर किसका होता है प्रोटीन का होगा और जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है अपना माउथ से ठीक है फैट का कहां होता है लीवर के पास और इनका सभी का जो कंप्लीट डाइजेशन जो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो अब्सॉर्प्शन जहां पे होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और कहां पे लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में ठीक है विनोद का आ गया 10 में बी सुकन्या जी बोल रहे हैं डी जीएसवी का बी डी सी विपिन कश्यप जी का आंसर है सी रवि कुमार जी डी बोल रहे हैं तो सबने यहाँ पे डी बी सी किया है देखो यहां पे क्या होगा ये दो वायर है यहां पे करंट फ्लो रहा है इनके अंदर जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो क्या बना लेता है अपने चारों तरफ उसके चारों तरफ क्या बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है मैग्नेटिक फोर्स वहां पे काम करेगा तो ये क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काम करेगा यहाँ पे और क्या करेगा इधर भी होगा मैग्नेटिक फील्ड और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड तो ये दोनों को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे दोनों मैग्नेट फील्ड जो है वो फोर्स जो है वो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आकर्षित करेंगे तो इसीलिए अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आप पे अपना ऑप्शन डी ठीक है हुआ क्लियर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल है ना तो फिर अपना जो आंसर बनेगा वो बनेगा अपना कौन सा ऑप्शन बी अब चले नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट में बोला है कि व्हिच अमंगस्ट द फॉलोइंग पेयर्स इज नोट करेक्टली मैच हमें क्या करना है इसमें यहाँ पे इनको क्या करना है मैच करवाना है ठीक है इन दोनों को मैच करवाना है से एक्सप्लेन मैक्सवेल ने किया था ठीक है अब देखिए नेक्स्ट अब बता दीजिए कि इनका जो यहां पे दिया गया है पास्कल ने क्या किया था प्रेशर को डिस्कवर किया था प्रेशर के बारे में बताया था या फिर गोस ने लाइट के बारे में या फिर एम्पियर करंट से रिलेटेड है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट तो इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो क्या यहां पे रोंग है तो सुकन्या जी का आ गया है बी आंसर स्टार जी का भी आंसर आ गया है बी महेंद्र पटेल भी जीएसवी भी फटाफट कमेंट कीजिए देखो यहाँ पे जो पास्कल है वो क्या है अपना प्रेशर से यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं यानी कि जो पास्कल है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया उसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या होती है पास्कल होती है और वो किसके बराबर होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के ठीक है एक पास्कल जो है एक पास्कल किसके बराबर होता है एक पास्कल होता है एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर ठीक है तो देखो यहाँ पे दिया है अपने को गोस एंड लाइट तो गोस ने यहाँ पे क्या बताया था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के बारे में यहाँ पे बताया था तो ये हो गया अपना कौन सा यहाँ पे रूम ठीक है एम्पियर करंट ये भी अपना करेक्ट है ठीक है इसकी जो यहाँ पे करंट और जो एम्पियर वो क्या है यहाँ सेम हो गया गया फिर अपना कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी क्या हो गया अपना पे वोल्ट ठीक है तो ये भी अपना यहाँ पे करेक्ट है तो क्या, अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि ये वाला जो पेयर है वो क्या अपना यहाँ पे रोंग हो गया ठीक है बिल्कुल सही जिसने भी बी आंसर किया उनका सभी का आंसर बिल्कुल सही है आप देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज द मैक्सिमम लेंथ प्रकाश के किस रंग की तरंग दे दर अधिकतम होती है येलो ब्लू रेड या फिर ग्रीन तो फटाफट से आंसर कर दीजिए तो फटाफट से आंसर कर दीजिए 12 में आंसर आ गया है सी देखो क्या अपने पास यहां पे विब ग्योर यानी कि इसको हम याद कैसे करते हैं विब ग्योर से हम याद करते हैं इसको ठीक है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड हमें क्या दिया है फर्स्ट येलो दिया येलो कहा रहा है अपना बीच में तो मैक्सिमम हमें बताना है कि बताओ तो वी से अगर हम आर की तरफ आते हैं ठीक है या फिर आर से हम वी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा आर से अगर हम वी की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा अपना यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी यहाँ पे घटेगी आर से वी तक जाने पर घटेगी और बी से आर की तरफ आने पे क्या रहेगी बढ़ेगी यानी कि जो वेवलेंथ है सबसे अधिकतम किसकी मिलेगी वो मिलेगी किसकी यहाँ पे रेड कलर की ठीक है इसी वजह से क्या होता है जो रेड कलर है वो क्या है हमें दूर से भी ज्यादा शो होता है और क्या होगा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इनकी वो क्या रहेगी यहाँ पे आवर्ती जो रहेगी वो क्या होगी इनकी कम होगी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और जो आवर्ती है वो दोनों क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है ठीक है अगर इसकी वेवलेंथ क्या है अगर रेड की ज्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी कम होगी इसीलिए देखो यहाँ पे जो अपना कलर बैंड बनते हैं तो वो क्या है अपना इसकी क्या बैवलेंथ ज्यादा होती है इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा जो रेड कलर है वो जल्दी क्या करेगा ट्रेवल करेगा और क्या बना लेगा यहां पे सबसे पहले बैंड बना लेगा अपने ठीक है तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना ऑप्शन सी ठीक है तो जिसने सी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है कि विच मिनरल इन फाउंड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन इंडिया अमंग फॉलोविंग निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरेनियम प्लेटिनम थोरियम या फिर रेडियम तो फटाफट से आंसर कीजिए फ्रिक्वेंसी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ बिल्कुल अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो सभी का आंसर आ गया यहाँ पे सी ठीक है तो देखो यहाँ पे जो अपना सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा अपना थोरियम मिलेगा एंड सेकंड मिलेगा अपना कौन सा यूरेनियम एंड थर्ड मिलेगा अपना प्लैटिनम एंड फोर्थ मिलेगा रेडियम ठीक है तो वन टू थ्री एंड फोर ठीक है तो इनकी पोजीशन क्या रहेगी यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है वह क्लियर आप देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग इन द इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास विच ऑल आर इंक्लूडेड हमें बताना है कि कांच के निर्माण में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं सिल्गन ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट या फिर फेरस ऑक्साइड तो फटाफट से आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि की ग्लास के फॉर्मेशन में यानी कि कांच के निर्माण में कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं कौन कौन सा होता है सैंड लाइमस्टोन एंड सोडियम कार्बोनेट तो अपना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो सिलिकन ऑक्साइड है ये वाला हो जाएगा अपना एंड लाइम यानी कि अपना कैल्शियम कार्बोनेट एंड थर्ड कौन सा अपना एन तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका अपना यहाँ पे सभी ने आंसर क्या किया यहाँ पे यशवीर ने ए सी ए डी ए तो देखो अपना जिसके अंदर देखो यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या दिया है ए और बी यानी कि देखो यहां पे हमें क्या है ए जो है अपने चारों ऑप्शन में कॉमन है तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा अपना यहाँ पे ए तो पक्का पक्का ही मिलेगा फिर नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया है ए बी डी तो हमें क्या दे दिया है? यहाँ पे डी तो ये अपना नहीं होगा तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे ए सी ए बी और सी ठीक है करेक्ट आंसर बन जाएगा कौन सा अपना ऑप्शन डी डी तो जिसने आंसर आंसर किया है उनका सही है उनका सही सी होगा मैम सी कैसे होगा एक बार चेक कीजिए सी कैसे होगा जो अपना लास्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है सैंड लाइफ और सोडियम कार्बोनेट उनके अंदर पाया जाएगा तो ये तीनों मिलकर क्या है कुछ मात्रा में क्या है एफ टू ओ थ्री जो है कुछ इंप्योरिटीज उसके अंदर मिक्स की जाती है बहुत ही कम मात्रा में तो हम अपने के हिसाब से देखें तो क्या होगा अपना अपना जो है वो पे करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है अजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेलो आजाजी मैं एकदम बढ़िया हूं बस आप आंसर करते रहिए ठीक है अब चलिए नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कलर ऑफ रेनबो डिवाइड्स इनटू सेवन कलर्स ड्यू टू धनुष का रंग सात रंगों में विभाजित हो जाता है रिफ्लेक्शन के थ्रू डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन तो फटाफट से आंसर कीजिए तो देखो क्या करना है फटाफट से क्लास को शेयर कर देना है लाइक कर देना है अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से जाइए और लाइक कीजिए मुझे तो लाइक की संख्या है तो बहुत कम दिख रही है। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं उससे तो आधी से भी आधी नहीं मिल रही है मेरे को क्या सेशन अच्छा नहीं लग रहा है क्या आप लोगों को तमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित जी पता नहीं क्या बोल रहे यू आर मैम पता नहीं क्या लिख रहे हैं वो शायद गलत एरर हो, हो गया उनसे तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे डी तो देखो रिफ्लेक्शन परावर्तन क्या होता है लाइट जिस मीडियम जहां से आई है वहीं पे वापस क्या है चली जाना जिधर से आएगी उधर ही वापस क्या है चले जाना तो ये कौन सा हो गया अपना परावर्तन ठीक है विवर्तन क्या होता है डिफ्रैक्शन क्या होता है देखो लाइट जो है वो क्या है ट्रैवल कर रही है पूरा एकदम फिर क्या हुआ अगर वो ट्रैवल कर रही है उनको मीडियम एकदम साफ सुथरा मिले अगर किसी मीडियम में उनको क्या मिल गया यहाँ पे कुछ छोटा मीडियम यानी कि छोटा पोर मिल गया शार्प एज वाला कोई यहाँ पे मिल गया उनको तो वो क्या करेगी जो लाइट है वो क्या करेगी इनके एज से होकर जाएगी तो क्या होगा वो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे डिस्पर्ज हो जाएगी यानी कि फैल जाएगी लाइट तो ये कौन सा होता है अपना डिफ्रैक्शन ठीक है फिर है रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है वो जो जिस मीडियम से लाइट आई है तो वो क्या करेगी दूसरे मीडियम यहाँ पे अभिकेंद्र की तरफ नहीं जाके वो क्या हो जाएगी अभिकेंद्र से दूर हो जाती है ठीक है तो अपना ये कौन सा हो गया अपना अपवर्तन हो गया फिर हमें दिया है डिस्पर्जन तो डिस्पर्जन फैलाव यानी क्या होगा यहाँ पे कि जैसे कि वो क्या होगा अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या है वो कलर से हो जाएंगे अरेंज हो जाएंगे ठीक है अपने फ्रिक्वेंसी अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे वो तो इन तीन वो जो कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे अरेंज हो जाएंगे इसीलिए जो रेनबो है वो क्या है सेवन कलर के अंदर डिस्पर्ज वहां पे हो जाता है ठीक है तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है तो जिसने डी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है महेंद्र पटेल जी बोल रहे हैं लाइक कर दिया है अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए क्लास को अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है कि सिल्वर इज एट जो चांदी है सिल्वर जो है वो क्या होता है एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या फिर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कुछ नहीं होता तो फटाफट से आंसर कीजिए हमें बोला है कि जो सिल्वर है वो यहां पे क्या होगा मैग्नेटिक मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर या फिर नन ऑफ दिस तो फटाफट से आंसर कीजिए तो यहाँ पे सभी का आंसर आ गया है बी सचिन बघेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो भी आ गए हैं बी आंसर किया है रवि का आंसर बी महेंद्र पटेल बी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो हमें क्या दिया यहाँ पे जो सिल्वर है चांदी है वो क्या है अपना यहाँ पे अगर हम इनका केमिकल सिंबल इसका देखें तो क्या हो गया अपना एची और इसका एटोमिक जो नंबर है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है इसका फोर्टी सेवन ठीक है तो ये क्या होता है यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का सुचालक होता है इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और क्या है ये मेटल है और क्या करेगा गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करेगा यहाँ पे सुचालक होता है उसके लिए ठीक है गुंजन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है हेलो गुंजन नेहा मैम रोक्स बिल्कुल रोक करना है हमें ठीक है एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए बिल्कुल कर दीजिए भाई गुंजन की बात मान के कर दीजिए शेयर लाइक कमेंट जो भी करना आपको कीजिए तो फटाफट से देखो अपना जो कर, आंसर होगा करेक्ट वो कौन सा हो गया अपना ऑप्शन बी अब देखिए नेक्स्ट अब नेक्स्ट में हमें क्या बोला है सेवनटी सेवन डिग्री फोर इज इक्वल टू हमें बोला है इसको बराबर है किसके ट्वेंटी फाइव टेन या फिर फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तो फटाफट से आंसर कर दीजिए बट इज वेरी एक्सपेंसिव सो वी यूड यूज एल्यूमिनियम तो फटाफट से आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सेवेंटीन क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो जीएसवी का आंसर आ गया है ए सेवन रवि जी का भी आंसर आ गया अपने पास ए देखो यहाँ पे अपने को क्या दिया है फोरन हाइट को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है अपने पास C इज़ इक्वल पे अगर फोरन हाइट के लिए क्या होता है F इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा C five upon nine क्या होगा five upon nine क्या हो जाएगा अपने पास C uh, F प्लस C plus 32. ठीक है ये हो जाएगा तो अपने पास क्या है हमें क्या निकालना है यहाँ पे सी निकालना है ठीक है तो सी डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन में नाइन इधर ये प्लस का था इधर क्या हो जाएगा माइनस का F माइनस थर्टी टू तो हमें क्या दिया गया है C इज इक्वल क्या हो जाएगा फाइव अपॉन नाइन एंड क्या हो जाएगा अपना F सेवेंटी सेवन माइनस थर्टी टू तो क्या हो गया C इज इक्वल टू फाइव अपॉन और क्या हो जाएगा अपने पास ये फोर सेवन फाइव एंड क्या हो जाएगा अपने पास फोर तो इसको हम कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा फाइव तो C इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया अपने पास यहाँ पे ऑप्शन ए तो इस तरीके से क्या है हम इनको चेंज कर सकते हैं ठीक है इस फॉर्मूले को लगाकर ठीक है हुआ क्लियर आप देखिए नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट में बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट वास कंसिडर टू बी द फ्लो ऑफ विद्युत धारा को प्रवाह माना विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो क्या, क्या माना जाता है डाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पीस या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज तो फटाफट से आंसर कीजिए अच्छा आईफोन के अंदर सिल्वर मेटल का यूज होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट अपनी क्लास को हम खत्म करेंगे फटाफट क्योंकि जो तीन बजे तीन बजे रीजनिंग की क्लास भी अपनी होने वाली है किसके लिए यूपी पुलिस के लिए ठीक है तो वो भी ज्वाइन करना ना भूले अगर आप यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है आपको रीजनिंग की क्लास तीन बजे ज्वाइन कर लेनी ठीक है तो अपना देखो यहां पे क्या दिया गया है विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पीस या फिर नेगेटिव चार्ज तो फटाफट आंसर कीजिए तो सभी का आंसर आ गया है सी मानसू जी बोल रहे हैं कि इसीलिए जो आईफोन है वो कॉस्टली होते हैं बिल्कुल इसीलिए ठीक है

फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इट्स कन्वेंशियल बिल्कुल सही क्योंकि जो पुराने अगर हम बात करें अगर पहले जो आ, जो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था पतंग के साथ काइट के साथ तो उन्होंने क्या बताया था कि जो पहले ये मानते थे कि उनका फ्लो है धारा का वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ठीक है बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला तो क्या पता चला कि एक्चुअल में क्या होता है नेगेटिव से प्लस होता है बट मानते क्या है इसको हम लिखते क्या है पढ़ते क्या है हम यही लिखते हैं यही पढ़ते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो अपना जो ये आंसर है वो क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए देखो हमें क्या दिया है कि जो हीट है उसको मेजरमेंट किसमें किया जाता है फटाफट -पत से आंसर कीजिए तो सभी का आंसर आ गया है डी तो देखो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर बनेगा हीट के लिए वो कौन सा बनेगा अपना यहाँ पे कैलोरी मीटर ठीक है करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना पे कैलोरी मीटर. है? इसको किया जाता है? कैलोरी के अंदर तो इसीलिए क्या हो जाएगा अपना पे? कैलोरी मीटर ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो फटाफट थम्सअप कर दीजिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो सभी लोग थम्सअप कर दीजिए फटाफट नाइनटीन में ए कैसे होगा उषमा हीट जो है तो अपना करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी ठीक है तो फटाफट से थम्सअप कर दीजिए फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोला है अपने को ओजोन एट द हाइयर लेवल्स ऑफ द एटमोसफेयर इज प्रोडक्ट डैश ऑफ मोलिक्यूल वायुमंडल के उच्च स्तर पर जो ओजोन है अणु है वो किसका उत्पाद होती है विक्र, यूवी विकरण ऑक्सीजन पर कार्य करता है यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन नाइट्रोजन या फिर यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन हाइड्रोजन या फिर यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन हीलियम तो जो ओजोन अणु है वो किससे किसका प्रोडक्ट है फटाफट से कमेंट कर दीजिए ओके मैम ठीक है फटाफट आंसर कीजिए तो फटाफट आंसर कीजिए तो देखो ओजोन जो है वो किससे मिलकर बना होता है अपना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं थ्री मॉलिक्यूल तो अपना ओजोन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना यहां पे ओ थ्री ठीक है तो जो यूवी रेडिएशन होंगी वो किस पे काम करेंगी वो करेंगी ऑक्सीजन के अंदर ठीक है और ये जो अपनी ओजोन लेयर है वो कौन से वहां पे मिलती है कौन सी लेयर के अंदर मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर किसमें मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलेगा ठीक है जो एटमॉस्फेरिक लेयर है अपनी जो जोन लेयर है वो कहां पे प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है, है कहां पे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ठीक है तो अपना करेक्ट आंसर बन गया अपना यहां पे ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही तीन मोलिक्यूल से बनता है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट अपना ये था अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अब देखो आपको क्या करना है सभी को अपने क्वेश्चन काउंट करने हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं ठीक है तो फिर क्या करना है ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटा फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए समताप मंडल मेजर करते हैं डॉपन में स्टेटोस्फ़ेयर तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी लोग सुकन्या कुमारी जी का हुआ है ट्वेंटी में से एटीन तो फटाफट से बाकी लोग भी कर दीजिए सभी लोग लाइक करें कमेंट करें शेयर कर दे सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है आपको अगर वीडियोस जो है वो आपको लग रहा है कि कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको कि हाँ भाई ये जो चीज है हमारे लिए आगे काम आएगी ठीक है हमारे लिए बेनिफिशियल है तो क्या करना है आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हुए जाना है ठीक है जो अपनी क्लासेस हैं वो रहेंगी अपनी रेगुलर कितने बजे डेढ़ बजे से रहेगी कहा पे? पे अपना एस एस सी बैंकिंग ईजिली पर ठीक है तो क्या करना है आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आपको क्या करना है अपना जो एस एस सी बैंकिंग ईजिली जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद वहां पे आपको कमेंट कर देना है कि हमें ये जो प्रॉब्लम है वो हमें आ रही है ठीक है ये हमें जो डाउट है वो है ठीक है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में क्या है जो हमारा इंस्टा पेज जो है इंस्टा पेज में मैं इधर लिख देती हूँ कि हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है हमारे चैनल का वो कौन सा है Easily लर्न विद ए स्माइल ठीक है तो स्माइल करते हुए उसको भी फॉलो कर लेना है और स्माइल करते करते हुए किसको फॉलो कर लेना है SSC बैंकिंग इजीली को ठीक है तो मैम मेरी साइंस कैसी है आपके एक्सपीरियंस से मुझे कुछ कमी महसूस होती है मैम मैंने कितने देखो सुकन्या जी आपकी साइंस जो आप आंसर करते हो कमेंट करते हो फटाफट जो आप रिकॉल करते हो वो आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है आपका ठीक है तो आप जो क्वेश्चन अटेंड करते हो उसके साथ साथ आप क्या करते हो जो चारों ऑप्शन होते हैं उनको भी आप रिकॉल कर लेते हो फटाफट तो आप यहाँ पे जो अपना साइंस है आपका वो बहुत अच्छा है बस आपको थोड़ा मेहनत और करना है जिससे आपका जो एग्ज़ाम है जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी एग्जाम की आप तो वो जो है आप क्रैक कर सकते हो ठीक है आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप जो अपना आ, पेपर है वो क्रैक कर सकते हो ठीक है बस थोड़ा सा मेहनत करना है क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर आपको डेली लगाते रहना है क्लासेस जो है वो डेली कंटिन्यू में रखना है स्टडी को पढ़ाई को अपना बीच में नहीं रोकना है ठीक है स्टार जी मुझे ये तो याद नहीं आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए क्योंकि बहुत सारे कमेंट है तो मैं ऐसे काउंट करके आपको नहीं बता सकती आप मुझे बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका नाम लिख दूंगी इधर कितने बजे वही अपनी डेली कितने बजे होती है डेढ़ बजे होती है मंडे टू सैटरडे तो कल अपना सैटरडे है ठीक है मंडे टू सैटरडे तो सैटरडे को जो क्लास है वो रहेगा अपना वही डेढ़ बजे अपना डेली जो डेढ़ बजे क्लास होती है सुकन्या जी बस अपनी मेहनत जो है वो आप करते रहिए लगातार करते रहिए आप लोग हमसे भी बहुत आगे जाने वाले हैं ठीक है हम यही प्रे करेंगे भगवान जी से कि आपकी जो जॉब है वो आपको इस साल ही मिल जाए ठीक है स्टार जी बोल हैं मैम पीरियोडिक टेबल की क्लास भी लगवा देंगे जल्दी लगवा देंगे अपने पेपर सेट अभी इलेवन हुआ है तो हम पेपर सेट अपने हो जाए थोड़ा सा कंप्लीट थोड़ा सा और हो जाए दो चार उसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल की क्लास भी एक दिन बीच में लगा लिया जाएगा ठीक है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको सभी एक क्लास के अंदर समझा दिया जाएगा ठीक है तो हम आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लीजिए दस पंद्रह मिनट का उसके बाद जो है अपनी तीन बजे से क्लास किसकी है रीजनिंग की ठीक है तीन बजे अपनी क्लास है किसकी रीजनिंग की तो हमें फिर से चैनल पे आना है पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए लंच कीजिए फिर वाटाफाट से अपना फिर से ज्वाइन करना कितने बजे तीन बजे रीजनिंग की क्लास यूपी पुलिस के लिए ठीक है आप क्या है यूपी पुलिस की जो रीजनिंग की क्लास होती है ना वो आपकी कॉन्सेप्ट बेस होती है ठीक है साथ में क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वहां से आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हो ठीक है तो अपनी आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं कल फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास नए उत्साह और नए एक नए क्वेश्चंस के साथ ठीक है तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना घर पे स्वस्थ रहिए बाहर नहीं जाना है पढ़ना है अपना प्रिपरेशन करते हुए रहना है ठीक है तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय